फॉरेन बॉडी थ्रो ये एक्सरे आ गए, ये एक्सरे मेस्ट्रॉइड है बोथ ईयर, ये लेफ्ट ईयर है और ये राइट ईयर है, ये ऊपर लिखा होता है, इसको आप इस समय भी लगा सकते हैं लेकिन वो भी कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर आपने वैसे भी लगाए तो फाइंडिंग वही रहती है। ये जो सेप्टा नज़र आ रहे हैं ना आपको मेस्ट्रॉइड ईयर सेल्स, ये नॉर्मल पैटर्न है और इसमें ये सेल जो है ना वो थोड़े हाइपो सेलुलर हुए हैं, इसमें हम लिखे ए सेलुलर तो नहीं है। आप इसमें फाइंडिंग में यही लिख सकते हैं कि ये जो राइट लेफ्ट ईयर का जो मेस्ट्रॉइड ईयर सेल सिस्टम है वो नॉर्मल है और जो लेफ्ट का है वो हाइपो सेलुलर है, ए सेलुलर नहीं है, थोड़े सेल्स जो है ना वो ये यहाँ से कम हो गए हैं। ठीक है, ये मेस्ट्रोडाइटिस में और एटिक्वेंटल डिजीज में हो जाते हैं। ये है एक्सरे पीएनएस पैरानेजल साइनस, ये जो है इसमें आपने ये देखना होता है मैग्डली साइनस, ये फ्रंटल साइनस है, इसका ये साइनस इस साइनस से हेजी है। ठीक है, इसकी जो पॉजिटिव फाइंडिंग है वो राइट मैग्डली साइनस इज हेजी साइनोसाइटिस, इट मे बी साइनोसाइटिस, इट मे बी सम ग्रोथ ट्यूमर, कुछ भी हो सकता है। ये जो एक्सरे हैं ये एक्सरे नेजोफेरेंस लेटरल व्यू है और ये एक्सरे स्कल है एपी व्यू, असल में ये स्कल के लिए उसने दोनों एक्सरे किए हुए हैं, लेटरल व्यू ये स्कल लिखा हुआ है ना। ठीक है, लेकिन हम ईएनटी के हवाले से हमारे लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये करने वाले ने इसको मतलब ज़रूरत नहीं थी इसकी, उसने कर दिया। हमने इसमें देखना ये होता है कि ये आपका हार्ट पैलेट है, ठीक है, और ये सॉफ्ट पैलेट है, इसके ऊपर नोज, ये नोज नज़र आ रहा है, ये नेजोफेरिंग्स, ये जो सॉफ्ट पैलेट है इसके पीछे ये जो जगह है यहाँ पे एडिनॉइड होता है, तो इसमें एडिनॉइड नहीं है। इसकी ये जो पेटेंसी है ये देखें ऐसे खुला है, ठीक है, अभी एडिनॉइड का एक्सरे आया तो उसमें आपको आइडिया होगा कि ये जगह तंग हो जाती है। ये देखें एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू नेक लेटरल व्यू, ठीक है, और ये पीए व्यू है पूरा उसने कर दिया, तो इसमें भी आप देखें ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है, इसके पीछे यहाँ एडिनॉइड होता है, इसमें नहीं है जगह, ये सारी खुली है, क्लियर। तो ये अगर ये एक्सरे आपसे पूछा जाए तो ये क्या एक्सरे है, एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू नेक लिटल व्यू और ये पीए व्यू है, ये एक्सरे चेस्ट है अलहदा से, ये एक्सरे पीएनएस है अलहदा से, तो उसने सारे एक्सरे एक ही एक्सरे पे करती हैं। अगर आप इसको गौर से देखें सिर्फ इस एक्सरे को ऊपर वाले को तो ये एक्सरे पीएनएस लग रहा है, ठीक है, ये नेक आ गया, फिर ये अगर सिर्फ नीचे वाले को देखें तो ये एक्सरे चेस्ट है, चेस्ट, तीन एक्सरे एक ही एक्सरे में उसने कर दिए हैं और ये सॉफ्ट टिश्यू नेक। ये भी इसमें फॉरेन बॉडी नज़र आ रही है, ये वाली, ये भी सॉफ्ट टिश्यू नेक लेटरल व्यू है और इसका मुंह अगर आप गौर से देखें तो उसके मुंह में दांत नहीं है, ये ई डेंटुलस मैंडिबल है और उसमें एक छोटी सी तार भी नज़र आ रही है, शायद कोई एक आधा दांत उसने आर्टिफिशियल लगवाया हुआ था। ये ओल्ड एज पेशेंट की का एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू नेक और इसमें फॉरेन बॉडी नज़र आ रही है, ये वाली, ये कहाँ पे पड़ी है, हाइपोफेरिक्स में, ये फॉरेन बॉडी थ्रोट कॉइन, बैटरी सेल भी हो सकता है, अगर बैटरी सेल हो तो एमरजेंसी होती है और अगर वो कॉइन है तो आप उसको वेट कर सकते हैं। ये एक्सरे असल में यूं लगाएं तो सही समझ आता है, थोड़ा सा व्यू गलत हुआ हुआ है, ये आपका स्कल है, फ्रंटल साइनस, ये आपकी नेजल बोन है
और ये आपका कोड़ा नाक है। पट्टी लगने की वजह से ना नाक उसका वो कोड़ा हो गया, कोड़ा बन गया बड़े। और इसकी फाइंडिंग क्या होगा? नेदल बोन फ्रैक्चर था उसमें। ये फॉरन बॉडी, ये अब देखा नहीं आपने नेदल बोन? यस सर, ये नेदल बोन, ये यहाँ से फ्रैक्चर हुई। ये एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू नेक लेटरल व्यू करके साथ ही चेस्ट भी कर दिया उसने ना, तो वो नहीं है सर। डॉक्टर कामरान है नहीं इधर? अच्छा ठीक है सर। हाँ जी, ये भी वो बिग से एक्स बच्चा है ना छोटा सा, तो फॉरेन बॉडी की हिस्ट्री होगी, तो उसने लेटरल व्यू भी किया हुआ है और चेस्ट भी किया हुआ है, नाक शाक सारा किया हुआ उसने ना उसको अपने हाथ भी। फॉरेन बॉडी को वो पेशेंट जो अटेंडेंट है उसने सर पकड़ा होगा ना स्टेबल करने के लिए, वो फॉरेन बॉडी की तरह छोटा बेबी है सर। फॉरेन बॉडी लगा देना, फॉरेन बॉडी लगा देना एक्सरे चेस्ट, ठीक है। ये तो वैसे ज़्यादा अच्छा नज़र आते हैं, ठीक है। ये इसमें देखें अगर आप, ये सॉफ्ट हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है, इसके पीछे ये जो आलू है ये इसने इस रास्ते को बंद किया, ठीक है, ये रास्ता बंद हुआ है। ये एडिनोइड का बहुत अच्छा एक्सरे है पॉजिटिव फाइंडिंग के साथ। सर फॉरेन बॉडी ये लेरिंग्स पे? नहीं नहीं थ्रोट, हाइपोफेरिंग थ्रोट ये होगा बस। ये कोई मतलब अमीर अम्मा है लेकिन मूंछ दांत कोई नहीं। बाकी हर जगह पे उसने ऑर्नामेंट्स डाले हुए हैं, कान में के सर गले में भी। पता नहीं एक्सरे बड़ा पुराना पड़ा, मुझे नहीं पता इसकी पॉजिटिव फाइंडिंग क्या है, वैसे ही शायद सर इसको घुमा दे फॉरेन बॉडी। सर यही ज़्यादा आ रहा है, ये लगा फॉरेन बॉडी फॉरेन बॉडी लाना बोल सर। ये सर जो आएंगे बस वो बता फॉरेन बॉडी थ्रोट एडिनाइड और कॉइन प्रॉब्लम पता क्या है, समटाइम एक्सटर्नल अपने एक्सरे ले आता है, अपनी ऑस्पी ले आता है, तो आपको ना थोड़ा सर आप सर आपके टीचर आप कार के अपनी वजह से कॉन्फिडेंशियल सर पीएमसी सर पीएमसी से सर बीएमसी में से आ रहे हैं इसको पता, मुझे तो नहीं पता सर बीएमसी से पता होने से क्या होगा। एक्सरे में स्ट्राइड बोथ हियर, ठीक है। इसमें देखें ये जो मिस्ट्राइड है ये ए सेलुलर हो गया है, ठीक है, और ये थोड़ा हाइपो सेलुलर है। ये ना लगाएं इसको छुपा लें, मेरे पास ही सर तो पास कर सही वाली बात है। मैडम पता है जो होते हैं लूच तलना है तो उसका क्या मतलब, मतलब है कि आपने शर्मिंदा करना है एग्जामिनर के सामने। जी ऐसा जी करनी है। फॉरेन बॉडी नोज, फॉरेन बॉडी नोज सही नोज है, फॉरेन बॉडी नोज क्या एक्सरे स्कल लेटरल व्यू फॉरेन बॉडी नोज एक्सरे नेजल बोन ये नजर आ रही है नेजल बोन फ्रैक्चर लाइफ में चूहा कहते थे चूहा को दो चार दिन फॉरेन बॉडी चूहा ये फॉरेन बॉडी थ्रोट सर अपने वार्ड में चला जाता होगा सर सिटी स्कैन तो नहीं आएंगे सिटी नहीं नहीं सिटी नहीं आएंगे। ये एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू नेक लेटरल व्यू फॉरेन बॉडी और ये फॉरेन बॉडी पड़ी है यस सर फॉरेन बॉडी समझ नहीं आएगी मुझे भी नहीं आएगी।
फॉरेन बॉडी थ्रोट 2010 तो सर जी एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू नेक लिटिल व्यू शोइंग फॉरेन बॉडी इन द हाइपोफेरिक्स यू नो देयर आर थ्री फेरिंग्स नेसोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स You can count the vertebra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and the nasopharynx is adjacent to the first. 1.5 first vertebra. Oropharynx is second and a half. 3, 4 और वो जो ऊपर 2 का हाफ है वो बाकी उसके बाद ये नीचे हाइपोफेरिंग शुरू हो जाता है ये जो आपको थोड़ा सा वाइट जगह नजर आ रही है ये हाइपोफेरिंग्स है ठीक है ये वाली चीज क्या है हाइट बोन ये फॉरेन बॉडी नहीं है असल फॉरेन बॉडी ये है ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है आपको एक्सरे दिखा के कि मुझे बताओ कि फॉरेन बॉडी कहाँ पे है नेजल नहीं ये नेजल बोन का एक्सरे नहीं है ये इसने लिटिल एक्सेल लिटिल स्कल है मेरा ख्याल है इसमें मिस्ट्राइड भी नज़र आ रहा है कोई अच्छा एक्सरे नहीं है मतलब नहीं आएगा वेरी गुड एक्सरे ऑफ नेजल बोन ये एक तरफ का है ये दूसरी तरफ का है दरमियान में ये लाइन है एक्सरे नेजल बोन फ्रैक्चर लेटर व्यू फ्रैक्चर हुई है ये और ये एक्सरे नेजल बोन लेटरल व्यू नेजल बोन फ्रैक्चर फॉरेन बॉडी फॉरेन बॉडी ये बढ़िया फॉरेन बॉडी तो एक्सरे फॉरेन बॉडी थ्रोट एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू नेक लेटर